क्योंकि हमारी बिरादरी उत्तराखंड में दलित में ही आती है, उसको दलित ही और बहुत तिरस्कृत करते हैं। सदियों से समाज के हर क्षेत्र में विस्तारित है। कतई वर्ष विश्वकर्मा समाज कभी न उपेक्षित रहा है न कोई उपेक्षित रहा। मैं हूँ राजनुजा और आज हम जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था और सामने देख लीजिए लिखा गया है भारत के दूसरे अम्बेडकर जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टांडा विश्वकर्मा जी का। आज यहाँ पर 137वां जो है जन्मदिन मनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी हुआ और तमाम लोग ये विश्वकर्मा समाज से हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इधर भी दिखा दीजिए किस प्रकार से विश्वकर्मा समाज आज उपेक्षित है और कैसे विश्वकर्मा समाज को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सोचिए वही शिल्पकार जो बाबा विश्वकर्मा के नाम से ख्याति प्राप्त है, अभी कुछ ही दिनों में उनका धूमधाम से जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा, आज यहीं पर एक है उन्हीं के वंशज जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टांडा। तो तमाम लोग हैं, चाचा हैं, चाचा से इन्हीं के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया था। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? राम अवतार। आप लोग जिस प्रकार से गोष्ठी का आयोजन किए हैं क्या इसके बारे में जरा बताइए। देखिए इनका जन्मदिन था जी, हम लोगों ने गोष्ठी का आयोजन किया जी, इसलिए कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है जी, दलितों को उद्धार के लिए, क्योंकि हमारी बिरादरी उत्तराखंड में दलित में ही आती है, उसको दलित ही और बहुत तिरस्कृत करते हैं। अच्छा, एक बार गवर्नर साहब आए थे और ये बहुत संपन्न, वहाँ के सबसे संपन्न व्यक्ति थे, दलित भले ही थे, विश्वकर्मा थे ये, लेकिन वहाँ पर जब गए और लोगों के साथ वहाँ पर बैठने के लिए तो कहा कि भागो यहाँ से, तुम कैसे आ गए? कहा कि अरे मैंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, मैं व्यापारी हूँ, मुझसे सबसे, कहा कि चंदा दे से क्या तुम खरीदोगे, तुम चलो। उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद से मैं इस जाति को आगे बढ़ाऊंगा और इतना आगे बढ़ाऊंगा कि सब लोग इसको नमस्कार करें, यही नहीं होगा कोई उपेक्षा न कर सके। और इसके बाद टमटा ने ये काम करना शुरू कर दिया और इतना संगठन खड़ा किया और इतना पैसा अपना खर्च किया कि वहाँ को लोगों ने इनको अम्बेडकर कहना शुरू कर दिया जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने जो जागृत पैदा की उसी जागृत का परिणाम है कि आज हम यहाँ उनकी जयंती मना रहे हैं। सोचिए जिस प्रकार से एक महापुरुष जो है एक समाज का निर्माण करता है तमाम लोग, और किस प्रकार से आज वो समाज जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है। चाचा ने जिस प्रकार से बताया कि उत्तराखंड में विश्वकर्मा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के दर्जे के रूप में दिया जाता है और यूपी में ओबीसी के संभवतः कैटेगरी में आते हैं और तमाम तरह से अदर स्टेटों में, और इसी तरीके से हमारे साथ एक और भी हैं भैया शशिकांत शर्मा जी, इनसे भी हम आज जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो ये गोष्ठी का आयोजन किया है अपने समाज के लिए क्या कहेंगे इसके बारे में। निश्चित तौर पर हमारे समाज के आप पुरोधा रहे हैं और ऐसे लोगों की जयंती मना करके समाज में एक प्रेरणादायी संदेश दिया गया है। निश्चित तौर पर जो समाज अपने इतिहास को अगर जानेगा तो निश्चित उसका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और विस्तारित रहेगा। शशिकांत जी, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे थे, देख रहा था चाचा ने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, तो जिस प्रकार से सरकार में देखा जाए और जिस प्रकार से आपका जो समाज है उपेक्षित है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर से अगर देखा जाए तो समाज कभी भी कोई उपेक्षित नहीं होता है, उसके स्वयं के जो कर्म है निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा समाज सदियों से समाज के हर क्षेत्र में विस्तारित है। कतई वर्ष विश्वकर्मा समाज कभी न उपेक्षित रहा है न कोई उपेक्षित रख सकता है। और अगर देखा जाए तो परंपराएं रही हैं समाज में, जब भी अगर कोई भी अगर बड़ा काम कोई किया होगा भगवान विश्वकर्मा का नाम लेकर के, सृजन के देवता हैं वो, और निश्चित तौर पर अगर जब सृजन के देवता हमारे वंशज हैं तो हम लोगों ने मतलब जो है उनको अपना जो आधार स्तंभ माना है, उनको पूज्य कुल देवता माना है, तो उसको लेकर के हम लोग लगातार समाज में आगे बढ़ते रहे हैं। चलिए और एक भैया और हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। और इस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पर हैं, जरा इधर भी दिखा दीजिए, सभी लोग थे आज इस गोष्ठी के आयोजन में तमाम लोग। तो आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा है। चंदन जी, जिस प्रकार से आयोजन हुआ है क्या कहेंगे आप लोगों ने? पहली बार सुन रहा था कि यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आज पहली बार ये जो है आप लोग इस तरह का गोष्ठी का आयोजन किया है इनके मुंशी हरिप्रसाद टांडा जी के बारे में क्या कहेंगे?
मुंशी हरिप्रसाद टंडा जी हमारे विश्वकर्मा समाज के बहुत बड़े ही मसीहा थे और वो देखा जाए तो भारत के दूसरे अम्बेडकर भी थे और जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टंडा जी विश्वकर्मा जी का हम लोग आज गाजीपुर में पहली बार 26 अगस्त को हम लोग उनका जयंती मनाए हैं और इस तरह हम सारे विश्वकर्मा मिलके और गाजीपुर ही जिला नहीं हम पूरे जिला में पूरे भारत में इनकी जयंती मनाएंगे और आने वाली सरकार से मांग करेंगे भी कि हमारे ऐसे पूर्वज विश्वकर्मा जी को एक देशानुसार चलिए इन लोगों ने अपने बारे में यहाँ जो है जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टांडा जी के बारे में तमाम तरह से बताए हैं और किस प्रकार से ये पूरे उत्तर प्रदेश में भी इनके बारे में बताया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा इस तरह से। भैया क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं भरत मैं भरत विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष गाजीपुर जी। आज हम लोग मुंशी हरि प्रसाद टामटा जी जो विश्वकर्मा समाज के लिए ही नहीं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति अति पिछड़े जाति के लोगों के लिए जिस समय जो हमारा समाज हमारे समाज के लोग उपेक्षित पाए जाते थे, राजनीतिक कोई दशा नहीं थी उनकी, नहीं कोई आर्थिक दशा भी थी, उस समय हमारे टामटा जी ने 150 विद्यालयों का निर्माण कर एक उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से सारे गरीब भाइयों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए एक राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को एक अलग दिशा देने का कार्य किया। इसके लिए हम सभी 137वीं जयंती हरिप्रसाद टामटा जी का मनाने का कार्य कर रहे हैं और यह कार्यक्रम निरंतर आगे भी चलता रहेगा। जय श्री विश्वकर्मा जी। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से मान लीजिए आपने जयंती मनाया, थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपसे जानकारी ये लेना चाहूँगा कि और लोगों को शायद आप ही के समाज के लोगों नहीं जानकारी होगा, तो इनका थोड़ा सा संक्षिप्त तौर से कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कैसे थे, कि ये जो लोग भी वीडियो देखें तो अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी लेना चाहें। निश्चित ही रूप से हरिप्रसाद टामटा जी उत्तराखंड में निवास करते थे और पिथौरागढ़ के निवासी थे और उस समय यह मेयर का भी चुनाव जो है लड़े हुए थे और उस समय ये इनको मेयर जो है बनाया गया था। और जब जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, तमाम जो है राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन इनसे बहुत चंदा ले जाता था और उस चंदे को अपने समाज को लेकर लोग बढ़ावा करते थे। उन्होंने जब एक समाज को चंदा दिया और समाज के जब चंदा देने के बाद वह समाज के बैठक में गए, संगठन में गए, तो उनको लोगों ने कहा कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए हो, चूंकि वह अनुसूचित जाति से थे तो उनको जो है अधिकार नहीं प्राप्त था। अच्छा। कि कोई अन्य समाज जो सामान्य वर्ग है उनके किसी भी संगठन और कार्यों में जो है आप चले जाएं, तो लोग उनको जो है तिरस्कारित करके उस संगठन से उस सभा से उनको भगा दिया और भगाने के बाद उसी समय संकल्प लिए कि जितनी भी मेरी क्षमता है, जितनी भी मैं आर्थिक संपत्ति जो है दूसरे को देकर आगे बढ़ाने का काम करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से और अभी से अपने समाज के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करूँगा, राजनीतिक भागीदारी दिलाने का प्रयास करूँगा। मैं ऐसे महात्मा ऐसे महापुरुष को जो है बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं चरण शब्दों के साथ जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन जाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।